डेवरडील कोचिंग संस्थान की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पवन वदारा, आज हम बात करेंगे वर्गमूल और घनमूल से संबंधित प्रश्न की। जैसे आज आपका टॉपिक है क्या, वर्गमूल और घनमूल। वर्गमूल और घनमूल इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम वर्ग की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, वर्ग की। तो आपको क्या करना होगा, वर्ग करना होगा। क्या करना होगा, वर्ग। अब जैसे हम बात करें, कुछ वर्ग आपको याद रखने हैं, जैसे 40, 50, 60 जितने आप याद रख सकते हो उतने वर्ग आपको याद रखने हैं। बाकी आपकी जो दो अंकों की संख्या होती है उस पर हम बात करें, दो अंकों की संख्या का वर्ग, दो अंक की संख्या का वर्ग। सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करेंगे हम। आपका जैसे एक अंक है तो उसका वर्ग इस प्रकार से होता है, एक का कितना हो जाएगा एक, दो का कितना हो जाएगा आपका चार, तीन का कितना हो जाएगा आपका नौ, चार का कितना हो जाएगा आपका सोलह, पांच का कितना हो जाएगा पच्चीस, छह का कितना हो जाएगा छत्तीस, सात का कितना हो जाएगा आपका उनचास, आठ का कितना हो जाएगा आपका चौसठ, नौ का कितना हो जाएगा इक्यासी, और दस का वर्ग कितना होगा आपका सौ। तो आपकी ये जो दो अंक की संख्या है, मतलब दस से लेकर निन्यानवे तक की संख्या, उनका वर्ग करने का एक सूत्र होता है आपका। जैसे सूत्र वो होता है, आपकी दो अंक की संख्या में एक तो क्या होती है इकाई, और एक क्या होगी आपकी दहाई होगी। क्या होगी, एक इकाई और एक दहाई। तो इस प्रकार से हल करते हैं, पहले इकाई का वर्ग करना है आपको, उसके बाद में आपको इकाई और दहाई दोनों को गुणा करके दो से गुणा करना है, फिर आपको दहाई का वर्ग करना है। कैसे करना है, पहले इकाई का वर्ग, फिर इकाई और दहाई के गुणनफल का दोगुना, फिर दहाई का वर्ग, और प्रत्येक बार एक अंक लेना है। यदि दूसरा अंक आ जाता है, मतलब दो अंक की संख्या आ जाती है इनके गुणनफल या वर्ग में, तो आपको दूसरे अंक को आगे वाले पद में हासिल के रूप में जोड़ना है। जैसे हम एक संख्या पर बात कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि जैसे आपका वर्ग करना है किसका है, बारह का। आपको बारह का वर्ग करना है, बारह का वर्ग कितना होता है 144, ये दो अंक की संख्या है। इसमें इकाई कितनी आपकी दो, दो का वर्ग है चार, दोनों अंकों का गुणनफल इकाई इंटू ढाई, और उसका क्या है दोगुना, तो दो एकम दो, और दो का दोगुना कितना होता है चार, फिर ढाई का वर्ग, एक का वर्ग कितना हो गया एक, कितना आ जाएगा 144, ये हो जाएगा बारह का वर्ग। जैसे अगली संख्या ये है आपकी, आपको वर्ग किसका करना है, तिरानवे का करना है। किसका करना है, तिरानवे का। तो हम देखेंगे इकाई का अंक कितना है तीन, तीन का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा आपका नौ, फिर दोनों अंकों का गुणनफल नौ तिया 27, और 27 का दोगुना कितना होता है चौपन, चौपन का कितना आ गया आपका चार, असली कितनी होगी पांच, फिर नौ का वर्ग करना है इक्यासी, इक्यासी और पांच कितने हो जाएंगे आपके छियासी, तो आपका हो जाएगा 8649, कितना हो जाएगा 8649। इसका आगे हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, तिरानवे का जैसे सरल तरीके से याद रखना, सौ से कितना कम है सात कम है आपका, तो आपका सात का दोगुना सौ में से घटा के लिखना है, कितना होता है चौदह, जितना कम है उसका वर्ग कर दो, कितना कम है सात कम है, सात का वर्ग लिख दो कितना उनचास, तो आपका कितना हो जाएगा छियासी उनचास। इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं आप। हम अभी तो बात करें कि दो अंकों की संख्या का वर्ग किस प्रकार से करना है, कोई भी दो अंक की संख्या हो जाए इस सूत्र से हम उसका वर्ग कर सकते हैं, इकाई की स्क्वेयर, इकाई इंटू ढाई और उसका दोगुना, और ढाई की स्क्वेयर। आप इकाई का वर्ग करोगे, जैसे यहाँ पे बारह था, दो का वर्ग कितना हो गया चार, दोनों का गुणनफल दो एकम दो, और उसका दोगुना कितना हो गया दो का दोगुना चार, ढाई का वर्ग, एक का वर्ग कितना होता है एक, तो आपका कितना हो जाएगा 144। इसी प्रकार से जैसे तिरानवे का करना था, इकाई का वर्ग तीन का वर्ग कितना हो गया आपका नौ, अब आप देखोगे आगे दोनों का गुना और दोगुना, नौ तीन सताइस, सताइस का दोगुना चौपन, चौपन का चार, दूसरा अंक हासिल में चला जाता है, कितनी हासिल होगी चौपन में पांच, फिर ढाई का वर्ग, नौ का वर्ग इक्यासी, इक्यासी और पांच कितने हो गए आपके छियासी, तो आपका आंसर हो जाएगा 8649। जैसे आपको वर्ग करना है कितने का, छियानवे का। किसका वर्ग करना है, छियानवे का, तो वर्ग करेंगे जैसे छह का वर्ग छत्तीस, छत्तीस का छह, हासिल कितनी होगी आपकी तीन होगी, छह का वर्ग कितना होता है छत्तीस, हासिल कितनी होगी आपकी तीन होगी। यहाँ पे हम देखेंगे फिर दोनों का गुना, नौ छह चौपन, चौपन का दो गुना कितना होता है आपका 108, 108 और तीन कितने हो गए 111, 111 का कितना आ गया आपका एक आ गया, हासिल कितनी होगी आपकी 11, फिर नौ का वर्ग 81, 81 और 11 कितने हो जाएंगे आपके बानवे, आपका आंसर कितना हो जाएगा 9216। कैसे करना था, इकाई का वर्ग, छह का वर्ग छत्तीस, कितनी हासिल होगी तीन, दोनों का गुना नौ छह चौपन और उसका दो गुना चौपन, दूनी कितने हो गए 108, 108 में आप कितने जोड़ोगे तीन जोड़ोगे, कितने हो जाएगा 111, 111 का एक हासिल कितनी होगी आपकी 11, फिर यहाँ पे हम देखेंगे नौ का वर्ग कितना होता है आपका
इक्यासी, इक्यासी में 11 जोड़ोगे कितना हो गया 92, कितना हो गया 9216। वैसे करेंगे तो 100 से कितना कम है ये, 4 कम है, 4 का दोगुना घटा दो 800 में से कितने हो गए 92, 4 का वर्ग लिख दो कितना होता है 16 होता है, तो आपका आंसर कितना हो गया 9216। उस प्रकार से भी कर सकते हो। ये थी बात दो अंकों की संख्या के वर्ग के। अब आपको कम से कम 40, 50, 60 तक के वर्ग क्या करना है, यादें रखने हैं। एक बार पहले वो लिख देता हूँ, फिर हम उससे संबंधित मतलब इकाई दहाई के जो पर्सन आते हैं आपके, ये संख्या पूर्ण वर्ग हो सकती है या फिर नहीं हो सकती है, उससे संबंधित बात करेंगे तो उनमें भी ये चीजें काम में आएंगी। तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, वर्ग लिखते हैं। यहाँ से मैंने लिख दिया 1 से लेकर 10 तक का वर्ग। 1 का वर्ग 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। अब लिखेंगे हम 11 का। 11 का वर्ग कितना होता है 121। 12 का वर्ग कितना होता है 144। फिर 13 का वर्ग कितना होता है 169। फिर 14 का वर्ग कितना होता है 196। फिर 15 का वर्ग कितना होता है 225। फिर 16 का वर्ग कितना होता है 256। फिर 17 का वर्ग कितना होता है आपका 289। फिर 18 का वर्ग कितना होता है 324। फिर 19 का वर्ग कितना होगा 361। और 20 का वर्ग कितना होता है आपका 400। फिर हम 21 का वर्ग करेंगे, 21 का वर्ग कितना होता है आपका 441। 22 का 484। 23 का कितना होगा 529। 24 का कितना होगा 576। 25 का कितना होगा 625। 26 का कितना होगा 676। 27 का कितना होगा आपका 729। 28 का कितना होगा आपका 784। 29 का कितना होगा आपका 841। और 30 का कितना होगा आपका 900। फिर 31 का वर्ग करते हैं, 31 का वर्ग कितना होता है 961। 32 का कितना होगा 1024। 33 का कितना होगा 1089। 34 का कितना होगा आपका 1156। 35 का कितना होगा 1225। 36 का कितना होगा 1296। 37 का कितना होगा 1369। 38 का कितना होगा 1444। और 39 का कितना होगा 1521। और 40 का कितना होगा आपका 1600। ये हो जाएंगे आपके 1 से लेकर 40 तक के वर्ग। आपको वर्ग यदि सरल तरीके से करने हैं तो कम से कम ये वर्ग आपको याद रखने होंगे। कहाँ तक हो गया 1 से लेकर 40 तक। उससे आगे हम बात करते हैं 60 तक की। जैसे आपका 41 से लेकर 60 तक उसकी बात करते हैं। जैसे 41 का वर्ग कितना होता है 1681। कितना होता है 1681। इनको इस तरीके से भी याद रख सकते हो आप। ये जो मतलब आपका 50 है, मतलब 41 से लेकर कहां तक 60 तक, यहां तक के वर्ग करने हैं तो इस प्रकार से करने हैं। ये जो 41, 42, 43 वाली ये लाइन है, आपको देखना है 50 से कितना कम है। उतना कम है उतना 25 में से घटा के लिखना है। आधार कितना मानना है आपको 25 मानना है। कितना मानना है 25। यदि आपकी कोई भी संख्या 50 से जितनी कम है वो 25 में से घटा के लिखना है। जैसे मैंने 41 का किया है तो ऐसे करना था, 41 50 से कितना कम है 9 कम है, 25 में से 9 घटा दो कितने बच गए 16। फिर आपको जितना कम है उसका वर्ग लिखना है, कितना कम था 9, 9 का वर्ग कितना हो गया 81, तो कितना हो गया 1681। इसी प्रकार जैसे 42 का करते हैं, 42 50 से कितना कम होता है 8, 25 में से 8 घटा दो कितने हो गए 17, 8 का वर्ग कितना हो जाएगा 64, तो आपका आंसर हो जाएगा कितना 1764। फिर जैसे आप 43 का निकालते हो, 43 50 से कितना कम है 7, आप 25 में से 7 घटाओगे कितने बचेंगे 18, तो कितना हो जाएगा आपका 18 और 7 का वर्ग कितना 49, तो आपका 43 का हो जाएगा 1849। उसी प्रकार से अगली संख्या 19, अगली संख्या 44 कितनी कम है 6, तो कितना हो जाएगा 1936। कितनी कम है 5, कितना हो जाएगा 2025। कितनी कम है आपकी बार आपकी 4, तो कितना आ जाएगा आपका 2116। फिर अगली संख्या जैसे 47 कितनी कम है 3 कम है, तो कितना हो जाएगा 2209। अब 3 का वर्ग 9 होता है, अकेला 9 नहीं लिखना, आपको पीछे क्या लगाना है 0 लगाना है। तो दो संख्या लिखनी है, मतलब तीसरी आए तो असल में दो अंक लिखना है। यहाँ पे 50 वाली लाइन में 25 से जितना कम है वो घटा के लिख दो, मतलब 50 से जितना कम है वो 25 में से घटा के लिख दो, फिर जितना कम है उसका वर्ग लिख दो, लेकिन अंक कितने लिखने हैं 2 लिखने हैं आपके। फिर अगली संख्या जैसी कितनी आपकी 48 है, कितना हो जाएगा 2304। 2 कम था 2 घटा दिया 25 में से, 2 का वर्ग लिख दिया 04। फिर अगली संख्या 49 कितनी कम है 1, 25 में से 1 घटाया 24 और 1 का वर्ग 01। और 50 का कितना होता है आपका 2500, तो आपका आंसर हो जाएगा 2500। इसी प्रकार से यदि आप 50 से आगे की संख्या यानी 51, 52, 53, 54, 55 इनका करते हो तो आपको वैसे ही करना है, 50 से जितना अधिक है वो 25 में जोड़ के लिख दो और जो संख्या आपकी अधिक है उसका वर्ग आगे लिख दो। दो अंक लिखने हैं आपको। जैसे मैं 51 का करूंगा कैसे लिखूंगा,
25 से कितना, 50 से कितना अधिक है, एक, तो 25 में एक जोड़ोगे 26, एक का वर्ग 0, एक, कितना हो जाएगा आपका 2601। जैसे अगली संख्या आपकी 52, 52 का वर्ग आपको करना है, तो 52 कितना अधिक है 50 से, 2, 25 में 2 जोड़ दो कितना हो जाएंगे 27, 2 का वर्ग कितना होता है 0, 4। इसी प्रकार से आगे 3 अधिक 28, 09, फिर 29, 4 का वर्ग 16, फिर 30, 5 का वर्ग 25, फिर 31, 6 का वर्ग 36, फिर आपका कितना आ जाएगा 32, और 7 का वर्ग 49, 33, 8 का वर्ग 64, 34, 9 का वर्ग 81, फिर आपका कितना आ जाएगा 3600। ये हो जाएंगे आपके 51 से लेकर 7 तक के, 7 तक के वर्ग। 51 का 2601, 52 का 2704, 53 का 2809, 54 का 2916, 55 का 3025 और 56 का 3136। इसी प्रकार से करने हैं। जैसे आपको एक संख्या पर और करके बता देता हूँ, जैसे आपकी ये संख्या है, मतलब आपको इसका करना था, किसका, 56 का, आपको देखना है 50 से कितना अधिक है ये 6, 25 में 6 जोड़ दो कितने आएंगे 31, और 6 का वर्ग लिख दो कितना 36, तो आपका कितना हो जाएगा 3136। तो ये होते हैं आपके 50 से 10 कम या 10 ज्यादा वाली लाइन के वर्ग। तो आपको ये वर्ग कम से कम 60 तक याद रखने, 1 से लेकर का तक 60 तक। इनसे हम 100 से ऊपर की संख्या का वर्ग भी करेंगे, 200 से ऊपर की संख्या का भी वर्ग करेंगे, 300 से ऊपर की भी संख्या का वर्ग करेंगे, 1000 से ऊपर की संख्या का भी वर्ग करेंगे, इन सभी का वर्ग करेंगे। इनसे हमारा बहुत सरल हो जाता है, फिर आपको वर्ग याद नहीं रखना पड़ता है, ये सूत्र काम में नहीं लेना होता है, आपके याद रहता है, तो उस क्वेश्चन को हम बहुत जल्दी हल कर सकते हैं। तो आपको कोशिश ये करनी है सभी वर्ग आपके याद रहे, नहीं याद रहते हैं तो ये आपका सूत्र है, इससे आप किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे किसका निकाला है, 47 का निकाला है, कितना है 2209, 47 का कितना है 2209, इस संख्या से निकाल के देखते हैं, कितने का 47 का, 7 का वर्ग 49, 49 का कितना आ गया आपका 9 आ गया, 49 का कितना आ गया आपका 9। अब आपको देखना यह है कि भी अगली संख्या क्या होगी आपकी, इकाई और दहाई का गुणनफल इंटू 2, तो वो देखो कितना होगा आपका 728, 28 का 2 गुना कितना होता है आपका, कितना होता है 728, 28 दो कितने होते हैं 56, 56 में 4 आसिर वाले जोड़ दिए कितने हो गए 60, आसिर कितनी होगी 6, 4 का वर्ग 16, 16 और 6 कितने हो गए आपके 22, तो आपका आंसर हो जाएगा 2209। 47 का कितना था आपका 2209। तो आप कोई भी दो अंक की संख्या का वर्ग इस सूत्र से निकाल सकते हो। पहले इकाई की स्क्वायर करनी है, एक अंक लिखना है, यदि एक अंक है तो ठीक है, दो अंक है तो दूसरा आसिर में आ जाएगा, फिर इकाई और दहाई दोनों को गुणा करना है और उनका दोगुना करना है, एक अंक है तो चलेगा, दो अंक है तो आगे आसिल में चला जाएगा, फिर आपको दहाई का वर्ग करना है, आसिल जोड़ के लिखनी है, आपका क्या हो जाएगा दो अंकों की संख्या का वर्ग हो जाएगा। तो ये है आपका वर्ग, कितने अंकों की संख्या का, दो अंक की संख्या का। अब इसमें हम कुछ चीजें इसमें से देखेंगे, जैसे इकाई का अंक, जैसे दहाई का अंक, ये सभी आपकी लाइनें यहाँ पे लिखी हुई है, हम इन दो लाइनों से भी पता कर सकते हैं इस चीज का, तो इनको आप छोड़ दो, इनको मिटा रहा हूं मैं। देखो आपकी संख्या है, संख्या का इकाई का अंक, संख्या का इकाई का अंक पहला तो ये रहेगा आपका, फिर आपका वर्ग का इकाई अंक ये यहां पे, फिर आपके वर्ग में इकाई व दहाई के अंक किस प्रकार से होंगे वो देखना आपको। जैसे मैं बोलूं कि यदि संख्या का इकाई का अंक एक या फिर नौ है, कितना एक या फिर नौ है, एक में वर्ग में कितना आया एक, 11 में इकाई का अंक एक, वर्ग में भी कितना एक, जैसे 9 का वर्ग 81 एक, जैसे 19 का वर्ग 361 इसका भी कितना एक है, तो यदि संख्या का इकाई का अंक एक या नौ है तो आपका वर्ग का इकाई का अंक कितना होगा उसका एक होगा, कितना होगा एक होगा। फिर हम दहाई की बात, मतलब अगली संख्या की बात करते हैं, दहाई के अंक बाद में लिखेंगे, अब एक से पहले क्या आएगा या फिर दो से पहले, मतलब दो तो आता है इकाई का अंक तो पूर्ण वर्ग होती नहीं है आपकी, छह आता है तो छह से पहले क्या आएगा, नौ से पहले क्या आएगा, पांच से पहले क्या आएगा, उसकी बाद में बात करते हैं। जैसे अगली बात करता हूं मैं दो और आठ की, दो का वर्ग किया चार, बारह का किया तो चार इकाई का अंक, जैसे आठ का वर्ग किया चौसठ, अठारह का किया तो भी कितना इकाई का अंक चार। तो यदि आपकी संख्या का इकाई का अंक क्या है दो और
8 है, तो वर्ग में इकाई का अंक क्या होगा आपका 4 होगा। यदि संख्या का इकाई का अंक क्या है, या तो 2 है या क्या है 8 है, तो उसका वर्ग का इकाई का अंक क्या होगा 4 होगा। फिर अगली बात करते हैं हम जैसे 3 और 7 की, 3 का वर्ग किया 9, 13 का किया 169, 9 आ रहा है आपका। 7 का वर्ग किया 49, 9 आ रहा है। 17 का किया 289, क्या आ रहा है 9 आ रहा है। तो आपका यदि 3 और 7 हो तो वर्ग का इकाई का अंक क्या होगा आपका 9 होगा। 3 और 7 का क्या होगा 9। फिर हम देखते हैं 4 और 6 में, 4 का वर्ग किया 16, 6, 14 का वर्ग किया 196, 6, 16 का वर्ग किया कितना है 256, 6 का वर्ग किया 36, कितना है इकाई का अंक 6। यदि आपका संख्या का इकाई का अंक क्या है 4 और 6 है, तो वर्ग का इकाई का अंक क्या होगा आपका 5 होगा। क्या होगा 5। यदि आपका संख्या का इकाई का अंक 5 है, सॉरी 4 और 6 तो कितना होगा 6 होगा, ये गलती चली गया। यदि आपकी संख्या का इकाई का अंक 4 और कितना है 6 है, तो वर्ग का इकाई का अंक कितना होगा आपका 6 होगा। यदि आपका संख्या का इकाई का अंक कितना है 5 है, तो वर्ग का इकाई का अंक कितना होगा आपका 5 होगा। वर्ग का इकाई का अंक क्या होगा 5, और यदि 0 है तो क्या होगा आपका 0 होगा। इतनी जरूरत नहीं, 1 से 9 तक के वर्ग याद है तो उनमें आपको पता चल जाता है कि भाई उस संख्या का आपका इकाई का अंक क्या होगा। जैसे 1 की बात करें तो 1 का वर्ग लिख ले, कितना होता है 1, इकाई का अंक 1 होगा। जैसे इकाई का अंक 2 हो तो 2 का पता कर लो, 2 का वर्ग 4, इकाई का अंक क्या होगा 4। यदि 3 है तो 3 का वर्ग करके देख लो कितना 9, तो वर्ग का इकाई का अंक क्या होगा 9। यदि जैसे 8 है तो 8 का वर्ग कर लो कितना होता है 64, इकाई का अंक क्या बनता है 4 बनता है। जैसे यदि आपका कितना है 9 है तो 9 का वर्ग करो कितना होता है 81, तो यदि इकाई का अंक 9 है तो उसका वर्ग का कितना होगा 1। यदि आपका संख्या का इकाई का अंक 7 है और आपको उसके वर्ग का इकाई का अंक पूछा जाए, तो आप देखो 7 का वर्ग ही कर ले, 7 का वर्ग कितना होता है 49, तो इकाई का अंक क्या होगा 9 होगा। तो यदि आपकी संख्या का इकाई का अंक 1 और 9 है तो वर्ग का कितना होगा 1, 2 और 8 है तो कितना होगा 4, 3 और 7 है तो कितना होगा आपका 9, 4 और 6 है तो कितना होगा आपका 6, 5 है तो 5, 0 है तो 0। ये थे आपके क्या वर्ग के इकाई के अंक। अब इकाई के साथ में दहाई क्या आ सकती है, मतलब 1 से पहले क्या आएगा आपका, या फिर 4 से पहले क्या आ सकता है, 9 से पहले क्या आ सकता है, 6 से पहले क्या आ सकता है, 5 से पहले क्या आ सकता है, और 0 से पहले क्या आ सकता है। तो यहाँ पे हम देखें, जैसे 1 से पहले मैंने यहाँ पे कोई संख्या नहीं है तो 0 लिख सकते हैं, 1 से पहले 0, 1 से पहले 2, 1 से पहले 8, 1 से पहले 6। कहने का मतलब फिक्स एक अंक नहीं है आपका, कहीं भी देख लो क्या आपकी सम संख्या है, क्या है सम संख्या, तो 1 से पहले हमेशा सम संख्या है, यानी वर्ग में 0 1 हो सकता है और 2 1 हो सकता है, 4 1 हो सकता है और 6 1 हो सकता है और 8 1 हो सकता है। 1 से पहले कहने का मतलब सम संख्या का इकाई का अंक आ सकता है 0, 2, 4, 6 और 8। आपको इतना याद रखना है कि 1 से पहले हमेशा क्या आएगी सम संख्या। ये किस लिए याद कर रहे हैं, जैसे कई संख्याओं का इकाई का और दहाई का अंक देख के ही हम बता सकते हैं वो पूर्ण वर्ग है या फिर नहीं है। जैसे मैं ये संख्या लिखता हूँ, आपको बोलिए यह संख्या पूर्ण वर्ग है या फिर नहीं है। इकाई का अंक 2, वर्ग में कभी भी इकाई का अंक 2 आया है क्या आपका, नहीं आया है, तो यह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती है। यह संख्या क्या नहीं हो सकती है, पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती है। कहने का मतलब इसका वर्गमूल एक प्राकृत संख्या नहीं होगी, कौन सी होगी, एक दशमलव संख्या हो सकती है। जैसे आप बात करेंगे कि ये संख्या लिख दे आपकी, यह संख्या अब हम देखेंगे इकाई का अंक 1 पूर्ण वर्ग हो सकती है, लेकिन 1 से पहले क्या आएगा हमेशा सम संख्या, लेकिन यहाँ पे 1 से पहले क्या आपका 7, 7 क्या आपकी विषम संख्या है। आप क्या देखोगे, पहले इकाई का अंक 1 पूर्ण वर्ग हो सकता है, यदि आपको 1 पूर्ण वर्ग हो सकता है ये मिल गया तो उसके पीछे वाला अंक और देख सकते हैं हम। 1 से पहले क्या आनी चाहिए आपकी सम संख्या, लेकिन यहाँ पे 7 क्या है विषम संख्या, तो ये संख्या भी आपकी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती है, तो आपकी ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। इसलिए हम ये इकाई और दहाई के अंक याद करते हैं ताकि आपकी कुछ ऑप्शन है ना वो कुछ से करते हैं, सिर्फ इकाई और दहाई के अंक से कैंसिल हो जाते हैं। कि जैसे आपको प्रश्न पूछा जाता है निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है या फिर नहीं है, तो उसमें ये आपके सहायक होते हैं, उसमें आप इसका पता कर सकते हैं कि ये संख्या पूर्ण वर्ग है या फिर नहीं है। तो इकाई और दहाई देख के एक या दो ऑप्शन जरूर आपका कट जाता है उसमें। अब अगली बात करेंगे 4, 4 से पहले एक संख्या में देख लिया चाहे पता चल जाता है 4 से पहले 4, 4 से पहले 0, 4 से पहले 6, 4 से पहले 2, सभी क्या है सम संख्या, तो 4 से पहले भी क्या आएगी सम संख्या आएगी 0, 4, 2, 4, 4, 4, 6, 4 या फिर क्या हो सकती है 8, 4। जैसे आपका 28 का वर्ग 784, 4 से पहले 8 आता है ना, तो आपको याद रखना है 4 से पहले हमेशा वर्ग में दहाई का अंक क्या होगा एक सम संख्या होगी।
नौ से पहले बात करते हैं तो भी क्या होता है आपका सम संख्या होगी, नौ से पहले बात करेंगे तो भी आपकी क्या होगी सम संख्या। जैसे मैं बोलूं 17 का वर्ग 289, 9 से पहले 8, जैसे मैं 7 का वर्ग बोलूं 49, इकाई का अंक 9 है, 9 से पहले क्या आया फिर 4, तो क्या है सम संख्या। यहाँ पे देखने की लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप 1 से लेके 9 तक की संख्या के वर्ग में ये सभी बातें चेक कर सकते हैं इकाई और दहाई को। जैसे यहाँ पे आप देखोगे 9 है, 9 से पहले 0 हमने लिखा है, कोई संख्या नहीं थी, आप इसलिए 0 लिख सकते हैं। 0 को वैसे सम संख्या की श्रेणी में शामिल किया जाता है, ये 0 अकेला सम संख्या नहीं है, लेकिन जिसका इकाई का अंक 0 आता है वो क्या होती है एक सम संख्या होती है, इसलिए इसको सम संख्या की श्रेणी में गिना जाता है। जैसे आपका 9 यहाँ पे है, 9 से पहले 4, कोई भी एक संख्या का इकाई का अंक देखो पूर्ण वर्ग का 9 है उससे पहले सम संख्या है, तो आपको याद रखना है 9 से पहले हमेशा क्या आएगी सम संख्या। तो वर्ग का इकाई और दहाई क्या हो सकते हैं 09, 29, 49, 69 और 89, यानी 9 से पहले भी क्या आएगी सम संख्या आएगी, 6 से पहले हमेशा क्या आएगी विषम संख्या। जैसे मैं 4 का वर्ग करूं 16, 6 से पहले 1, 1 क्या है विषम संख्या। जैसे मैं बोलूं 6 का वर्ग 36, तो 6 से पहले क्या आपका 3 है, तो 3 भी क्या आपकी विषम संख्या। जैसे मैं 26 का वर्ग बोलूं 676, 6 से पहले कितना है 7 है, तो 7 भी क्या है विषम संख्या, तो 6 से पहले हमेशा विषम संख्या आएगी। यानी क्या बनेगा 1 6 3 6 5 6 7 6 और 9 6, तो 6 से पहले हमेशा क्या आएगी विषम संख्या आएगी, और 5 से पहले हमेशा ही 2 आएगा, 5 से पहले हमेशा ही क्या आएगा 2 आएगा, यानी आपका इकाई और दहाई का अंक क्या बन सकता है 2 5, यानी 25 ही होगा। यदि कोई संख्या का इकाई का अंक 5 है वो पूर्ण वर्ग होगी तो आपका क्या होगा उससे पहले 2 आएगा, यानी हमेशा ही 2, 2 के अलावा कुछ भी नहीं आता है। जैसे यहाँ पे 5 का वर्ग 25 2, 15 का वर्ग 225 2, जो आप 25 का वर्ग करोगे 625 कितना आया 2, यदि आप 35 का वर्ग करोगे 1225 कितना आया आपका 2, यदि आप 45 का वर्ग करोगे तो क्या आएगा आपका 2025, 5 से पहले क्या आएगा 2, तो हमेशा ही 5 से पहले क्या आता है 2 आता है, तो आपकी दहाई का अंक क्या हो जाएगा 5 से पहले 2 हो जाएगा। 0 से पहले हमेशा क्या आता है 0, क्योंकि कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग तभी होगी जब उसकी लास्ट के अंदर सम संख्या में 0 होंगे, यानी 0 से पहले हमेशा क्या आएगा 0। यहाँ पे हम देख भी सकते हैं 10 का वर्ग 100 तो 0, 20 का वर्ग 400 दो जीरो, 30 का करोगे तो 900, 40 का करोगे तो 1600, हमेशा क्या आता है 0 से पहले 0 आता है। तो ये अंक आपको याद रखने हैं, ये वर्गमूल में काम आएंगे, या फिर आपको ये पूछा जाएगा निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है या फिर पूर्ण वर्ग नहीं है, उनमें काम में आएंगे ये आपके। तो आपको ये याद रखने हैं वर्ग का अंक इकाई का अंक और वर्ग का इकाई और दहाई का अंक, इनमें जो अलग से क्वेश्चन बनते हैं उनकी और बात करते हैं। एक बार मैं वापस बोल देता हूं, उनका 1 और 9 का इकाई का अंक 1 और 1 से पहले हमेशा सम संख्या, ऐसे याद रखना, ऐसे नहीं रखना है 0 1 2 1 4 1, आपको याद रखना 1 से पहले हमेशा सम संख्या। 2 और 8 का 4, 4 से पहले हमेशा सम संख्या। 3 और 7 का 9, 9 से पहले हमेशा सम संख्या। 4 और 6 का इकाई का अंक 6, 6 से पहले हमेशा विषम संख्या। 5 का 5, 5 से पहले हमेशा कितना आएगा 2। 0 का 0 इकाई का अंक और दहाई का अंक भी क्या होगा 0 ही होगा, 0 से पहले क्या आएगा 0, तो ये आपको याद है रखने। अब इनमें से दो बातें आती हैं आपकी, वो आपको याद रखनी है, कौन सी बातें हैं वो देखना है आपको। जैसे हमने वर्ग के इकाई के अंक निकाले हैं तो उनमें कहीं भी आपका क्या नहीं आया है 2, 3, 7 और 8, तो आपका पहला नियम बनता है कि जिन संख्याओं का इकाई का अंक, जिन संख्याओं का इकाई का अंक 2, 3, 7 व 8 है वे संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होती है, पूर्ण वर्ग नहीं होती है। जिन संख्याओं का इकाई का अंक क्या हो 2, 3, 7 व 8 हो तो वे संख्याएं कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होती है, पहला नियम ये याद रखना आपको। दूसरा नियम ये याद रखना आपको कि भी पूर्ण वर्ग संख्या में, पूर्ण वर्ग संख्या में अंत में विषम संख्या में 0 हो, विषम संख्या में 0 हो तो वह संख्या भी पूर्ण वर्ग नहीं होती है, वह संख्या भी पूर्ण वर्ग नहीं होती है। क्या बोला आपको पहला, जिन संख्याओं का इकाई का अंक 2, 3, 7 व 8 हो वे संख्याएं कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती हैं,
दूसरा नियम कि भी जिन संख्याओं के वर्ग पूर्ण वर्ग संख्याओं के अंत में विषम संख्या में शून्य हो, जैसे एक शून्य हो या तीन शून्य हो या फिर पांच शून्य हो, तो वे संख्याएं कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती है। अब अगली बात, ये नियम, यदि किससे पहले, एक चार और नौ से पहले हमेशा क्या आता है, सम, और यदि विषम आए तो वह संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण वर्ग नहीं होती हैं। एक चार और नौ से पहले क्या आता है, हमेशा सम संख्या, और यदि विषम आता है तो वे संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं होती हैं। अगला नियम जैसे बात करते हैं हम, नौ से पहले क्या आता आपका, सॉरी छह से पहले क्या आना चाहिए था, विषम, तो यदि छह से पहले सम आ जाता है तो वह संख्या भी पूर्ण वर्ग नहीं होती है। मतलब छह से पहले क्या आता है, विषम संख्या आती है तो ही पूर्ण वर्ग होती है, यदि छह से पहले सम संख्या आ जाती है तो वह पूर्ण वर्ग नहीं होती है। अगली बात, पांच से पहले हमेशा क्या आता है, दो आता है, इससे अगली बात क्या हो जाएगी आपकी, पांच नंबर, पांच से पहले हमेशा क्या आता है, दो, यदि पांच से पहले दो के अलावा कोई भी पद आता है तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती है आपकी। तो ये आपको पांच नियम है, इनको याद रखना है, पूर्ण वर्ग या पूर्ण वर्ग नहीं होने के बारे में नहीं याद रहे तो आपको क्या देखना है, एक से लेकर नौ तक की संख्या का वर्ग लिखना है, एक से लेकर दस तक की, उन संख्याओं में इन सभी बातों का आपको उत्तर मिल जाता है। क्या जिनका इकाई का अंक दो तीन सात आठ हो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती है। पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में यदि विषम संख्या में हो, कोई भी संख्या है, मतलब पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में विषम संख्या में शून्य नहीं होते हैं। यदि आप वर्ग संख्या की बात करो तो कोई भी संख्या है उसके अंत में यदि विषम संख्या में शून्य हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती है। इससे अगली बात, यदि संख्या का इकाईगणक एक चार और नौ हो तो उससे पहले हमेशा क्या आती है, सम संख्या, और यदि विषम संख्या आ जाए एक तीन पांच सात और नौ तो वह पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती है। और पांच छह से पहले हमेशा क्या आता है, विषम संख्या आती है, और यदि सम आ जाता है जीरो दो चार छह और आठ तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। इससे अगली बात करते हैं हम कि भी यदि पांच है तो पांच से पहले हमेशा क्या आना चाहिए, दो, यदि दो के अलावा कोई भी अंक आता है तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती है। फिर बात करते हैं हम इससे आगे, आपको इनके प्रश्न पूछा जाता है पूर्ण वर्ग संख्या है या फिर नहीं है, तो एक छोटे से क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ आप, उसके बाद में हम वर्गमूल निकालना सीखेंगे, उसके बाद में हम उस पर पूरे प्रश्न की बात करेंगे पूर्ण वर्ग संख्या है या फिर नहीं है। एक बार एक प्रश्न की बात कर लेता हूँ, कई ऑप्शन ऐसे होते हैं मतलब कि भी आपका आंसर एक इकाई के अंक या ढाई के अंक में आ जाता है। जैसे मेरा क्वेश्चन ये है, निम्न में से कौन सी संख्या, निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। जैसे आपकी ये संख्याएं हैं 110 से 16, दूसरी संख्या जैसे आपकी ये है 110 26 है भाई, पहला ऑप्शन। जैसे दूसरा ऑप्शन आपका 110 से 25, जैसे तीसरा ऑप्शन आपका 112 79, जैसे चौथा ऑप्शन यह है आपका, यह संख्या है 45,678। इनमें आपको देखना है निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है। तो पहले तो हम इकाई देखेंगे, इकाई का अंक 6 हो सकती है, इकाई का अंक 5 हो सकती है, इकाई का अंक 9 हो सकती है, इकाई का अंक 8 नहीं हो सकती है, एक तो कट गया आपका इकाई के अंक से। फिर हम इकाई के अंक के साथ साथ दाई का अंक भी देख सकते हैं, छह से पहले हमेशा क्या आती है, विषम संख्या, और यहाँ पे क्या दे रखी है, सम संख्या, तो ये भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती है आपकी। पांच से पहले क्या आया है, दो, ये संख्या पूर्ण वर्ग हो सकती है, संभावना एक बार, दो ऑप्शन भी बच सकते हैं कई बार, उसकी बात हम वर्गमूल निकालना सीख के उसके बाद में करेंगे। जैसे अगला अंक क्या आपका, नौ, नौ से पहले हमेशा क्या होना चाहिए, सम संख्या, लेकिन यहाँ पे क्या है, विषम संख्या थी, ये भी नहीं हो सकती, आपका एक ही ऑप्शन बचा है कितना, दूसरा। तो इसमें आपको वर्गमूल निकालने की आवश्यकता नहीं, आप इकाई और ढाई देख के उत्तर बता सकते हो। कैसे याद रखना है, इकाई का अंक जिन संख्याओं का इकाई का अंक दो तीन सात आठ नौ वह कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती है, इसलिए ये कट गई। आपका छह से पहले हमेशा विषम आता है, सम आया तो ये भी कट गई। नौ से पहले यानी एक चार और नौ तीनों से पहले क्या आती है, सम संख्या, यहाँ पे विषम दे रखा है इसलिए यह भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। पांच से पहले दो आता है तो ये आपकी क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। 110 25 किसका वर्ग होता है, 105 का होता है। तो इस प्रकार से हम बताते हैं कि निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है या फिर पूर्ण वर्ग नहीं है। अब इससे आगे हम बात करते हैं, इकाई के अंक पे ही प्रश्न आते हैं आपके,
और आपको पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है आपको, इकाई के अंक पर प्रश्न देके स्टार स्टार में मान देके आपको अंकों की संख्या पर प्रश्न पूछा जाता है, वर्ग में कितने अंक हो सकते हैं या फिर उसके वर्गमूल में कितने अंक हो सकते हैं, उसके अनुसार प्रश्न आता है। तो उसकी बात करूंगा मैं, पहले बात करूंगा मैं संख्या में अंक की, संख्या में अंक। दूसरी बात करेंगे हम वर्ग में अंक कितने होंगे, वर्ग में अंक। तो देखो यदि संख्या में आपका n अंक है, संख्या में आपके कितने अंक है n, तो वर्ग में होंगे या तो 2n अंक या फिर 2n माइनस 1 अंक। मतलब यदि आपकी संख्या में n अंक है तो वर्ग में क्या होंगे, 2n अंक या फिर 2n माइनस 1 अंक। जैसे मैं बात करूं यदि वर्ग में 1 अंक है तो 2 एकम 2 और 2 एकम 2 हम 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1, तो वर्ग में क्या होंगे या तो 1 अंक होगा या फिर कितने होंगे 2। जैसे आपकी संख्या में कितने अंक है 2, तो वर्ग में पूछे 2 दूनी कितने 4 या 4 में से 1 घटा दिया कितने 3, तो वर्ग में 3 या 4 अंक होंगे। जैसे मैं बोलूं इस संख्या में कितने अंक है 3, तो वर्ग में कितने होंगे 3 दूनी 6, 6 में से 1 घटा दो कितना 5, या तो 5 होंगे या फिर कितने होंगे 6 होंगे। जैसे मैं बोलूं एक संख्या में कितने अंक है आपके 9 अंक है, कितने अंक है 9, तो वर्ग में कितने होंगे 9 दूनी 18 या फिर 18 से 1 कम कितने 17, तो या तो 18 अंक होंगे या फिर कितने अंक होंगे 17 अंक होंगे। तो आपको इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार आपको संख्या दे देगा बड़ी सी और उसमें पूछा गया होगा उसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे या फिर आपको उसके वर्ग में अंक पूछ सकता है। जैसे मैं ये संख्या लिखूं 3, 4, 6, 7, 8, 9, 1, 6, मैं बोलूं कि के वर्ग में कितने अंक हो सकते हैं, के वर्ग में कितने अंक हो सकते हैं, तो हम संभावना बताएंगे। जैसे मतलब दो प्रकार के उत्तर, दो उत्तर आते हैं उनमें से कौन सा भी हो सकता है, अंक गिनने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, तो कितने अंक होंगे 8 दूनी 16 या 16 से कम कितने, या तो 16 अंक होंगे या फिर कितने अंक होंगे 15 अंक होंगे। तो आपकी संख्या के अंक देख के हम वर्ग में अंक बता सकते हैं। यदि n अंक हैं तो कितने होंगे 2n या फिर 2n माइनस 1, तो यहाँ पे कितने बोले थे आपको 8, तो 8 दूनी 16 या 16 मुंह 1 कम कर दो कितने होंगे आपके 15 अंक होंगे। तो इस प्रकार की बात आपको पूछी जाती है। और इससे अगला प्रश्न जो स्टार देके पूछता है वो कैसा होता है देखते हैं, क्या बोला आपको संख्या में अंक, यदि n है तो वर्ग में क्या होंगे या तो 2n या फिर 2n माइनस 1, या तो दोगुनी या दोगुना सा 1 कम अंक होंगे। जैसे इस पे क्वेश्चन की बात करता हूं मैं अगले की, किस प्रकार से आता है, जैसे मैं ये प्रश्न बोल रहा हूं आपका स्टार स्टार और 6 का वर्ग हो सकता है, का वर्ग हो सकता है, तो आपको इस प्रकार के ऑप्शन दिए जाएंगे जैसे ए बी सी और डी, ये चार ऑप्शन है आपके। पहला ऑप्शन स्टार 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 और 6, दूसरा ऑप्शन स्टार 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 और 4, तीसरा ऑप्शन स्टार 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 और 6, अगला ऑप्शन स्टार 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 और स्टार और 8, ये है आपके। आपको पूछा है स्टार 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 मतलब स्टार स्टार 6 का वर्ग हो सकता है, मतलब उनमें से कौन सा हो सकता है वो बताएं। यदि इकाई का अंक 6 है तो 6 के वर्ग में क्या आएगा 6, नहीं याद है तो 6 का वर्ग कर लो 36, 36 में इकाई का अंक 6, तो 6 का वर्ग में क्या आएगा इकाई का अंक 6, तो आपका ये ऑप्शन सी हो सकता है या फिर ये हो सकता है, ये तो नहीं हो सकता आपका और ये भी नहीं हो सकता, दो ऑप्शन कैंसिल हो गए। अब रही बात इनमें स्टार ही दे रखे हैं, पिछली संख्या है ही नहीं आपकी, तो आपको इनमें अंकों की संख्या देखनी होती है, क्या देखनी होती है अंकों की संख्या। तो अंक हम देखेंगे कितने अंक है यहाँ पे 3, तो कितने अंक हो सकते हैं 3 के 2n या 2n माइनस 1, तो 3 दोनों 6 या 6 में से 1 कम कर दो कितने 5, या तो 6 अंक या फिर 5 अंक होने जरूरी है, यही उस संख्या का क्या होगा वर्ग होगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कितने अंक है भाई 1, 2, 3, 4, तो ये तो नहीं हो सकता है, एक ऑप्शन बचा है आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। इसमें कितने अंक है 3 और 2, 6, तो आपके कितने अंक है सॉरी 3 और 2, 5, तो कितने अंक हो सकते हैं 5 और 6 हो सकते हैं, तो आपके 3 अंकों की संख्या उसके वर्ग में कितने होते हैं 5 या 6 का 6 अंक, या तो 5 होने चाहिए या 6
और इकाई का अंक 6 है तो 6 के वर्ग में क्या आता है 6, तो इकाई का अंक क्या होना चाहिए 6 होना चाहिए। तो इस प्रकार का आपको प्रश्न पूछा जाता है, आपको क्या पूछा जाएगा स्टार देके इकाई का अंक लिख देगा अगला, फिर पूछेगा आपको उसके वर्ग में कितने अंक हो सकते हैं। तो जैसे इससे अगले क्वेश्चन की बात करता हूं मैं, ये संख्या आपकी, आपको पूछा है कि वर्गमूल का वर्गमूल हो सकता है, का वर्गमूल हो सकता है, ठीक है। आपको बोला है ये अंक आपके स्टार 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 और चार का वर्गमूल हो सकता है, ये आपके ऑप्शन है। क्या पूछा है आपको वर्गमूल, तो आपको याद करना है वर्ग का इकाई का अंक 4 है तो संख्या का इकाई का अंक यानी वर्गमूल का क्या हो सकता है 2 और 8। मैंने आपको बोला था ना 2 और 8 का वर्ग कितना होता है इकाई का अंक 4 होता है, तो आपका 2 4 वर्ग का अंक है तो वर्गमूल का क्या हो सकता है 2 और 8 हो सकता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे 2 और 8 कहाँ पे 2 है 8 है 2 है, ये तो नहीं हो सकता, ये कितना है 3 है, ये 3 ऑप्शन हो सकते हैं। अब इनमें आपको अंकों की संख्या के अनुसार उत्तर देना है, कितने अंक आपके 6 है, यहाँ पे अंक देखो कितने हैं 3, 3 के वर्ग में 6 हो सकते हैं, 3 दूनी 6 या 6 में से कम करो 5। जैसे यहाँ पे 4 है, 4 के वर्ग में 4 दूनी 8 या 7 अंक होंगे, यहाँ पे कितने अंक है 5, 5 के वर्ग में 5 दूनी 10 या फिर कितने अंक होंगे 9 अंक होंगे, यहाँ पे तो आपको सिर्फ 6 दे रखे हैं, तो 6 किसके वर्ग में आएगा 3 के वर्ग में आएगा, तो 3 के वर्ग में कितने अंक होते हैं 5 या 6 होते हैं, 3 अंकों की संख्या होती है उसके वर्ग में कितने होते हैं 5 या 6, यहाँ पे 3 अंक की संख्या इकाई का अंक 2 है तो का वर्ग 4 हो जाएगा, 3 अंक के कितने अंक हो सकते हैं 6 अंक हो सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको देखना है क्या था इकाई का अंक 4 वर्ग का, तो वर्गमूल के क्या होंगे या तो 2 या फिर कितना होगा 8 होगा। अब अंक देखने कितने यहाँ पे 6 है आपके, कितने 6, तो आपको क्या करना है इनमें से देखना कि भी 6 अंक कौन कितने अंकों की संख्या के वर्ग में आता है, तो आप देखो वो 3 अंकों की संख्या के वर्ग में कितने आते हैं 3 दूनी 6 या 6 में से कम 5, तो 6 कब आएगा जब संख्या 3 अंक की होगी तब, तो आपका वर्गमूल हो जाएगा स्टार स्टार और 2, ये आंसर आपका सही होगा। इस प्रकार से आपको वर्गमूल या वर्ग में अंकों की संख्या के अनुसार प्रश्न पूछता है। ये हो गया आपका 2 अंकों की संख्या का वर्ग और उसके ऊपर मतलब इकाई और दहाई के अंक पर पूछे जाने वाले प्रश्न। एक चीज और बोल देता हूं मैं, जैसे आपका इकाई का अंक होता है उसको क्या बोलते हैं चरमांक बोलते हैं, यदि कैसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपको, जैसे मैं बोलूं कि भी पूर्ण वर्ग संख्या का प्रश्न यह है, पूर्ण वर्ग संख्या का चरमांक नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्वेश्चन क्या आपका पूर्ण वर्ग संख्या का चरमांक नहीं हो सकता है। जैसे पहला ऑप्शन आपको दे रखा है कितना है 4, जैसे दूसरा ऑप्शन आपको दे दिया कितना है 9, जैसे तीसरा ऑप्शन दे दिया आपको कितना है 7, जैसे चौथा ऑप्शन दे दिया आपको कितना है 6 है, तो आपको बोला चरमांक नहीं हो सकता वो बताना, तो पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई का अंक क्या नहीं हो सकते, आपको पहला ही नियम लिखवाया था उस संख्या में जिन संख्याओं का इकाई का अंक 2, 3, 7 और 8 हो वे कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती है, तो इनमें से कौन सा है 7 दे रखा है, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये मतलब आपको चरमांक हो सकता है पूछे तो कौन से होंगे, 1 हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा आपका, 9 हो जाएगा और 0 हो जाएगा, ये तो होते हैं चरमांक, और नहीं हो सकता है पूछे तो कौन से होंगे 2, 3, 7 और 8, तो यहाँ पे दे रखा था आपको 7, तो 7 कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या का चरमांक नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार से यदि चरमांक बोले तो आपको क्या याद रखना है इकाई का अंक याद रखना है, चरमांक को ही इकाई का अंक कहते हैं। अब बात करते हैं हम 100 से ऊपर की संख्या के वर्ग की, किसकी बात करते हैं 100 से ऊपर की संख्या के वर्ग की, जैसे आपकी संख्या यह है 100
छह, इसका आपको वर्गे करना है। क्या करना है? वर्गे करना है। तो किस प्रकार से करते हैं देखना आपको, 106 की स्क्वायर, तो इस प्रकार से करना है। 100 से कितना ऊपर है? 6 ऊपर है। 100 से कितना अधिक है? ये 6, 6 का वर्ग कर दो कितना होगा? 36। आपको दो अंक लिखने, एक अंक आए तो पीछे क्या लगा दियो? 0। और यदि 2 से ज्यादा आए तो तीसरा अंक किस में चला जाएगा? हासिल में चला जाएगा। तो आपके दो ही अंक है यहाँ पे, तो पूरा लिख दिया कितना? 36। अब आपका जो 100 से ऊपर है ना, वो इस संख्या में जोड़ दो, 106 में 6 जोड़ दो, कितने हो जाएंगे? 112। आपका उत्तर हो जाएगा 11236। कितना हो जाएगा? 11236। वैसे जैसे इस संख्या का करना है 103। 100 से कितना ऊपर है? 3 ऊपर है। किसका वर्ग करना था? 103 का। 100 से कितना ऊपर है? 3 लिख दो। आपको क्या करना है? 3 का वर्ग लिखना है। कितना होता है? 9। लेकिन मैंने बोला है कितने अंक लिखने? 2 अंक लिखने। जैसे इनके आधार ये माने जाते हैं 10, 2 अंकों की संख्या होती है तो 1 अंक लिखना होता है। जैसे 3 अंक की आती है तो 2 अंक लिखने होते हैं। यदि 4 अंक की आती है तो कितने अंक लिखने होते हैं? 3 अंक लिखने होते हैं। तो यहाँ पे आपकी 3 अंक की संख्या है, 2 अंक लिखने हैं। आपके पास एक ही अंक है तो पीछे क्या लगा सकते हो? 0 लगा सकते हो। तो क्या बन गया? 0, 9। फिर आपका जितना 100 से ऊपर है वो जोड़ दो, 103 में 3 जोड़ दो, कितने हो गए? 106। तो आपका आंसर हो जाएगा 10609। जैसे अगली संख्या में ये बोलूं, 117 का वर्ग करना है आपको। किसका वर्ग करना है? 117 का। बताओ 100 से ऊपर कितना है? 17 है। 17 का वर्ग लिखो, कितना होता है? 289। 2 क्या हो जाएंगे आपकी? हासिल हो जाएंगी। आपको 2 ही अंक लिखने थे, 89 लिख दिया, 2 किस में चला जाएगा? हासिल में। 117 में पहले 100 से ऊपर कितना? 17 जोड़ दो, 117 और 17 कितना हो गया? 134। 134 में 2 और जोड़ दो, कितना हो गया? 136। आपका आंसर कितना हो गया? 13689। ये हो जाएगा आपका 100 से ऊपर की संख्या का वर्ग। जैसे अगली संख्या में बोलूं, आपकी ये संख्या है जैसे 154। किसका वर्ग करना है? 154 का वर्ग करना है। यहाँ पे देखो 100 से ऊपर कितना है? 54 है। अब 54 का वर्ग करो, यदि वैसे याद होता आपको तो सीधी सी बात है, 50 से ऊपर 4, 25 में 4 जोड़ दो, 29, 4 का वर्ग 16, 2916। तो आपका वर्ग कितना हो गया? 2 अंक 16, 29 क्या होगी? हासिल होगी। क्या होगी? हासिल। अब आपको आगे देखना क्या है, 154 में 54 जोड़ने हैं, पहले कितने हो गए? 208 हो गए। 208 में 29 से जोड़ोगे कितने हो गए? 237। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 23716। ये हो जाएगा आपका 154 का वर्ग। यदि वैसे वर्ग याद नहीं है तो हम दो अंकों का पहले कर लेंगे वर्ग वाले सूत्र से, इकाई का अंक के वर्ग का और इकाई दाई का गुणा और दोगुना और दहाई की संख्या का वर्ग। तो इकाई का वर्ग 4, 4 का वर्ग 16 का 6, हासिल कितनी होगी? 1। दोनों का गुना 5 और 20, 2 गुना 40, 40 और 1 41, हासिल कितनी होगी? 4। फिर 5 का वर्ग 25, 25 और 4 29। अब आपको दो ही अंक लिखने थे, ये हासिल में लिख देते हैं, कितने? 29। अब आपको क्या करना है, 154 में 54 जोड़ना है, कितने हो गए आपके? 208। 208 में 29 जोड़ोगे कितना हो जाएंगे? 237। तो आपका वर्ग कितना हो जाएगा? 23716। तो इस प्रकार से आपको वर्ग करना है। जैसे अगली संख्या में ये बोलूं, जैसे आपको बोल दिया जाए कितना, 183। आपको 183 का क्या करना है? वर्ग करना है। देखो 100 से ऊपर कितना है? 83। 83 का वर्ग हमने तो याद नहीं किया, तो आपको क्या करना है? पहले दो अंकों का वर्ग, 3 का वर्ग 9, दोनों का गुना 8 या 24, 24 का दो गुना कितना हो गया? 48। 48 का 8, हासिल कितनी होगी? 4। 8 का वर्ग 64, 64 और 4 कितने हो जाएंगे आपके? 68। 68 आपकी हासिल होगी। अब आपको 183 में 83 जोड़ने हैं, 183 में 83 जोड़ोगे कितने हो जाएंगे? 266। कितने हो जाएंगे? 266। अब 266 में 68 और जोड़ दो आप, 8 और 6 14 का 4 हासिल 1, 6 12 और 1 13 का 3 हासिल 1, 2 और 1 3। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 33489। एक बार वापस देखते हैं, यदि नहीं याद है तो 3 का वर्ग क्या हो जाएगा? 9। दो अंक लिखने हैं, पहले आपको दो अंकों की संख्या के वर्ग की बात कर रहा हूँ। 8 या 24, 24 का 2 गुना 48, हासिल कितनी होगी? 4। अब आपकी जो हासिल बनती है वो ऊपर लिखनी है आपको, 8 का वर्ग 64 और 4 68, 68 किसके हो गए? हासिल के। अब आपको क्या करना है, 183 में 83 जोड़ने हैं पहले, तो 83 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे आपके? 266। 266 में 68 जोड़ोगे आप, कितने हो जाएंगे आपके? 334। तो ये हो जाएगा आपका आंसर 23489। ये होता है 100 से ऊपर की संख्या का वर्ग। ये 200 से ऊपर भी आ सकता है, 300 से ऊपर भी आ सकता है, तो इसको याद करने के सूत्र भी लिख देता हूं मैं। जैसे आपके मतलब सूत्र निकले मिलती होती है उसके अनुसार आते हैं आपकी, आप इस प्रकार से याद भी रख सकते हो।
विचलन की स्क्वायर, विचलन की स्क्वायर, ठीक है। संख्या पले से विचलन, ठीक है। ये होता है आपका क्या, 200 से ऊपर की संख्या का वर्ग या फिर 10 से ऊपर की संख्या का सूत्र है वो भी इसके अनुसार निकाल सकते हैं हम। इसमें एक उपाधारण कोण होता है, जैसे इसमें हम बोलते हैं आधार, आधार होते हैं आपके 10, 100 और 1000 इस प्रकार से। अब अंक लिखने की बात करें, 10 एक अंक लिखना है, इसमें 20 दो अंक लिखने हैं, 1000 से पार कर जाए 30 तीन अंक लिखने होते हैं। उपाधार क्या होता है आपका, उपाधार होता है जब आधार का जितनी बार पूरा पूरा भाग जाता है, जैसे मैंने यहाँ पे उपाधार काम में नहीं लिया, जैसे 100 है, 100 से ऊपर की संख्या है 100 का भाग दें, एक बार ही जा रहा था तो एक से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि 200 आ जाए तो 200 में 100 का दो बार भाग जाता है तो उपाधार कितना हो जाता है, 2। कहने का मतलब संख्या बटा आधार, उसको हम क्या बोलते हैं, उपाधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उपाधार। जितनी बार पूरा पूरा भाग जाता है वो उपाधार होता है। और विचलन क्या होता है आपका, विचलन जो संख्या है उसमें से आपको क्या घटाना है, उपाधार इंटू आधार, इनका गुणनफल घटाना होता है। यदि उपाधार नहीं है तो आधार घटा दो, जैसे मैं विचलन बोल रहा था 106 में मैं 6 बोला था, तो आप 106 में से 6 घटाओगे, 100 घटाओगे कितने बचेंगे, 6। जैसे मैंने 117 लिखा था तो यहाँ पे 117 में से 100 घटाओगे कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। इस प्रकार से यदि 200, 300, 400 पार जाती है तो ये सूत्र बन जाता है, उपाधारंक ऑब्लिक संख्या प्लस विचलन और ऑब्लिक क्या आ जाएगा, विचलन की स्क्वायर। पहले ये करना है, दो अंक लिखने, फिर ये हल करना है, जो हासिल होती है तो जोड़नी है। एक अंक आ जाता है तो आपको पीछे दो अंक की जरूरत है तो 0 लगा दो, दो अंक आ जाते हैं आपके मतलब तीन अंक की संख्या लिखनी होती है आपको, 3 0 हो तो आपको क्या करना है, एक अंक आता है तो पीछे 2 0 लगा दो, 2 आता है तो 1 0 लगा दो, 3 आते हैं तो 3 पूरे लिख दो, 4 आते हैं तो चौथा किसी में चला जाता है, असल में चला जाता है। इस प्रकार से नहीं याद रहता है तो आपको ऐसे याद रखना है। इधर क्या करना है, 100 से ऊपर की संख्या का वर्ग, 100 से ऊपर की संख्या का वर्ग, फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, संख्या प्लस 100 से ऊपर की संख्या वो जोड़नी है। यदि 200 पार जाता है 2 से गुणा कर दो, 300 पार जाता है 3 से गुणा कर दो, 400 पार जाता है 4 से गुणा कर दो। इस स्टेप को करना है, पहले ये हल करना है, उसके बाद में इस स्टेप को पहले गुणा करना है, फिर हासिल है तो पहले से करना है। जैसे मैं एक संख्या का करके बताता हूँ आपको, जैसे आपकी संख्या है कितनी, 201, इसका वर्ग करना आपको, 200 से कितना ऊपर है, 1, 1 का वर्ग 1, आपको दो अंक लिखने हैं 0 1। अब आपको क्या करना है, 201 में 1 जोड़ना है, कितने हो गए 202, लेकिन 202 नहीं लिखने, उसको 2 से गुणा और करना है, 200 पार है तो 2 से गुणा करना है, तो 202 को 2 से करोगे कितने हो जाएंगे, 404, तो आपका आंसर हो जाएगा 40401। जैसे अगली संख्या आपकी 306, इसका वर्ग करके लिखना आपको, किसका, 306 का वर्ग, तो 6 का वर्ग लिखेंगे कितना है, 36 है, 306 में 6 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे, 312, और 312 को 3 से और गुणा करना है, तो 312 को 3 से गुणा करोगे 936, तो आपका 306 का वर्ग कितना हो जाएगा, 93,636, कितना हो जाएगा, 93,636। जैसे अगली संख्या मैं लिखूं, मान लो ये लिख दी मैंने 411, इसका वर्ग करना आपको, किसका वर्ग करना है, 411 का, तो इसका वर्ग करोगे तो 11 का वर्ग करो पहले 121, दो ही अंक लिखने, एक क्या हो जाएगी आपकी, हासिल हो जाएगी। 411 में 11 जोड़ो कितने हो गए, 422, 422 को पहले किससे गुणा करना है, 4 से, कितने हो जाएंगे, 1688, कितने हो जाएंगे, 1688, एक और जोड़ दो कितने हो जाएंगे, 1689, तो आपका आंसर आ जाएगा 168921। तो इस प्रकार से हम 100 से लेकर कहाँ तक, 999 तक की, यानी 3 अंकों की संख्या का वर्ग कर सकते हैं। ये होता है आपका 100 से ऊपर की संख्या का वर्ग। जैसे ज्यादातर आपको 6 अंक की संख्या का वर्गमूल या 3 अंक की संख्या तक का वर्ग पूछा जाता है, या 6 अंक की संख्या का वर्गमूल पूछा जाता है, तो वो 3 अंकों की संख्या में हमारा हो जाता है। बाई चांस यदि 4 अंकों की संख्या में पूछ लिया जाए, जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है कई बार, उसके बारे में हम बात करते हैं, 4 अंक की 5 अंक की संख्या के बारे में भी बोल सकते हैं, उसका वर्ग किस प्रकार से करते हैं। देखो जैसे ये संख्या आपकी 1004, इसका आपको वर्ग करना है, क्या करना है, वर्ग, 1000 से ऊपर देखो कितना, 4 का वर्ग 16, लेकिन 1000 आ गया तो 3 0 बनते हैं ना आपके, तो 3 अंक लिखने होते हैं आपके पास, 2 ही अंक, तो एक पीछे क्या लगा दो, 0।
अब इस संख्या में जो हजार से ऊपर है वो जोड़ना है, हजार से ऊपर कितना है चार है, तो 1004 में चार जोड़ोगे कितने हो जाएंगे 1008, तो आपका कितना आंसर हो जाएगा 1,08,016, कितना हो जाएगा 1,08,016। जैसे अगली संख्या में ये बोलूं 1013, इसका वर्ग करना आपको, तो 13 का वर्ग 169, तीन अंक पूरे हैं आपके, तीन अंक लिख दिए, 1013 में 13 जोड़ दो कितने हो जाएंगे 1026, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 1,26,169। जैसे अगला प्रश्न आपको इस प्रकार से पूछ लिया जाए 1000 कितना है आपका 24 है, इसका आपको क्या करना है वर्ग करना है, किसका 1024 का, चलो 34 कर देता हूं, चार अंक की संख्या लेते हैं हम, जैसे कितना 1034, 34 का वर्ग करो कितना होता है 1156, 34 का कितना होता है 1156, आपको तीन अंक लिखने 156, एक आसने में हो जाएगा, 1034 में 34 जोड़ोगे 1068 में एक आसले वाला और जोड़ दो कितना हो जाएगा 1069, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 1,69,156, इस प्रकार से पूछ सकता है आपको। जैसे अगला एक बड़ी सी संख्या की बात करता हूँ, चलो 6 अंक लेते हैं, जैसे ये संख्या आपकी, इसका आपको वर्ग करना है, किसका वर्ग करना है आपको, इस संख्या का वर्ग करना है, कितना है ये 1,03,000, कितना 1,03,000, 1,00,000 से ऊपर कितना है 3, 3 का वर्ग लिख दो 9, कितने अंक लेने हैं आपको, कितने अंक लेने, एक से आगे देखो संख्या कितनी है आपकी, मतलब एक कम अंक लेना होता है जितने अंक की संख्या होती है, कितने अंक की है 6 की, आपको कितने अंक लेने थे 5, लेकिन आपके पास तो एक ही अंक है, तो पीछे 4 क्या लगाने 0, तो 0 0 0 और 0 ये हो जाएगा आपका, ठीक है 4 0 लगा दी। फिर आपको क्या करना है इस संख्या में जो ऊपर है मतलब 1,00,000 से ऊपर है वो जोड़ना है, तो 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 1,06,000 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका इस प्रकार से, तो ये आपका आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप कितने भी अंकों की संख्या का वर्ग कर सकते हो, जैसे आपको देखना है तीन अंक की संख्या है तो लास्ट में दो अंक, चार की है तो तीन अंक, पांच की है तो चार अंक, जितना उससे ऊपर है मतलब जैसे 100 से ऊपर है तो 100 से ऊपर वाला लिखना है, 1000 से ऊपर है तो 1000 वाला, 10000 से ऊपर है तो 10000 वाला वर्ग लिखना है। अब मतलब उसमें से एक कम अंक लेने होते हैं, यदि पूरे आते हैं तो ठीक है, कम आते हैं तो पीछे 0 लगा दो, ज्यादा आते हैं तो हासिल में जोड़ दो, फिर जो संख्या है उसमें से जो ऊपर वाली संख्या आपने जिसका वर्ग लिखा वो उसमें जोड़ के लिखनी है। जैसे उपाधार अंक बन जाता है 200, 300, 2000, 3000, तो वहां पे 200 है तो 2 से गुणा करते हो, 300 है तो 3 से, 2000 है तो 2 से, 5000 है तो 5 से गुणा करना होता है, फिर हासिल जोड़नी होती है, हासिल हमेशा बाद में जुड़ती है गुणा के बाद में, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये था आपका वर्ग निकालने का तरीका, इससे अगली संख्या में हम सीखेंगे वर्गमूल निकालने का तरीका और वर्गमूल से संबंधित प्रश्नों का तरीका, और साथ में कुछ याद करेंगे घन निकालने का तरीका या घनमूल निकालने का तरीका, आपको घनमूल भी पूछा जाता है इस टॉपिक में, तो उसकी भी बातें करेंगे, वो बात करेंगे हम अगली क्लास में, ठीक है।